रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आज मैं अपने गांव गई थी तो आज मैं आपको अपना थोड़ा सा गांव दिखाती हूँ। ये देखें कि हमारे घरों के जहाँ से हम साग लेके पकाते थे, और ये कुछ फ्रूट के हमने पौधे लगाए हैं। इनको अब बहुत काम है क्योंकि यहाँ से इनकी केयर कोई खास करता नहीं है। अच्छा चले, आज थोड़ा सा आपको अपना गांव और अपना घर दिखाते हैं। ये देखिए, ये अमरूद का दरख्त है और ये हमारा घर था। ये इसकी बैक साइड है, हम इसको आपको फ्रंट की साइड भी दिखाते हैं। फ्रंट वाला पोर्शन जो है वो भी दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने जो है साग छोड़ा हुआ है पकाने के लिए, ऐसे ही इन पे अब और सरसों जो है बड़ी होती जाएगी। और इसमें से कभी कभी ये जैसे ये गंदल निकलती है ना, यहाँ से ये छोटी छोटी गंदलें लेके हम साग भी पकाते हैं। तो ये कुछ रखा हुआ है पकाने के लिए। ये सरसों जब पक जाती है तो इसका बीज हम लोग तैयार कर लेते थे। ये देखें, थोड़े थोड़े जो है ना हमने पौधे रखे हुए हैं। ये तो सारी वो सरसों लगाई हुई है ना, और ये कुछ कुछ पौधे रखे हुए हैं। चले आए, अब मैं आपको अपना डेरा दिखाती हूँ। ये देखें, छोटा सा माल्टे का दरख्त है, उसमें माशाल्लाह कितने माल्टे लगे हुए हैं, कितने गिरे भी हुए हैं। बाकी दरख्तों पर तो नहीं लगे थे, इस दरख्त पर माशाल्लाह ये देखें कितने माल्टे लगे हुए हैं। बस केयर काफ़ी कम होती है जब, तो इसलिए। और वो देखिए आगे भी हैं, बहुत ज़्यादा माल्टों की तरफ पता हमें माल्टे भी लगे हुए हैं। और इसी तरह ये सब्जियां लगाई हुई हैं, और वो गन्ने की फसल भी है। ये जो था, ये हम यहाँ पे रहते थे, ये सारी चीज़ें थीं। यहाँ से हम छोड़ के शहर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पर अब ये देखिए, ये भी देखिए साग लगाया है वक्तन फवक्तन ऐसे। ये जो था, ये मेरा अपना घर होता था। ये देखें, छोटी सी क्यारी बनाई हुई है, और इसमें माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे फूल लगाए हैं। ये देखें, गुलाब के फूल हैं, उनमें कितनी प्यारी प्यारी और बड़ी बड़ी ये देखें बर्ड्स हैं। यहाँ पे माशाल्लाह जो हमारी ज़मीन थी ना, ये बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पौधे लगाने का बहुत मज़ा आता था, उनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती थी। ये देखें, ये छोटी सी क्यारी है, इसमें कितनी ये देखें गुलाब में देखें माशाल्लाह, जो मेरे पास घर में गुलाब है उसमें अभी इतनी बर्ड्स नहीं आई जितनी माशाल्लाह से यहाँ पे बर्ड्स आई हैं। ये देखें यहाँ की वो पानी और जो ज़मीन है ना, वो बहुत अच्छी है। देखें, ये छोटी सी क्यारी बनाई हुई थी, और ये देखें खजूर का भी दरख्त था। ये था मेरा अपना घर जहाँ पे मैं रहती थी। ये हमारी दूसरी फैमिली थी जो वो रहती थी, जिन्हें हम लोग जेठ कहते थे, वो यहाँ पे रहते थे। और ये चूल्हा था, पट्ठा, हम लोग खाना बनाते थे यहाँ पे। और ये जो साथ वाला है वो तीसरा घर था जेठ साहब का। चले, मैंने कहा अच्छी तरह अब आपको सारे हमारे जो घर थे वो दिखा दें।
ये जो किचन था यहाँ पे हम खाना बनाती थी, मैं यहाँ पे खाना बनाती, इस तरह का किचन था। ये हमारा डेरा था, मैंने कहा चलिए अब आपको अपना डेरा भी दिखाते हैं। ये देखें, आपको आगे जाके दिखाते हैं। मैं ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहती क्योंकि ये जो भैंस है मेरा ख्याल में मुझसे जा रही है। चले अब आपको थोड़ा सा दूसरा दिखाते हैं। ऐसे ही ऐसा ऐसा ये सबकी सबका दूध धो लिया इन्होंने और एंड पे अभी इसकी बारी है। ये जो घर वाले हैं अभी इनको इस कमरे में कर देते हैं और ये जो है यहाँ से गांव स्टार्ट होता है। ये देखें ये सारा गांव है। हम ज़रा गांव के एंड पे बाहर में रहते थे और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें पट्टे वगैरह काटते थे। ये जो है ये हमारा गांव है सारा पास पास ये देख लें। और ये इस तरफ हमारा घर है, ये मेरा घर होता था यहाँ से ये हम एंटर होते थे और ये हमारी बैठक है। अब बस मैं इतना सा ही आपको दिखाना चाहती हूँ। चलें अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा जहाँ मैं अपने गांव में रहती थी मैं आपको वो सारा विजिट करवाऊँ क्योंकि मैं भी आई हुई थी इधर। ये देखिए ये सारा जो है